माँ राधे माँ जी का बहुत शुक्राना करूँगा कि उनने आशीर्वाद दिया है और आज मुझे ये मुकाम पे आप लोग के बीच आने का मौका मिला। सर इस अवार्ड की बात करें, कितनी खुशी है आपको इसको लिए? देखिए, खुशी के साथ एक चैलेंज भी है, बहुत बड़ा चैलेंज दिया है आप लोग ने, क्योंकि मेरे लिए हर अवार्ड एक चैलेंज है और आगे बढ़ने की एक सीढ़ी है, क्योंकि हर मेरी इंडस्ट्री एक सर्विस इंडस्ट्री है जिसमें बढ़ते रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लाइंट को बेनिफिट देना बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी सर्विसेज को बेटरमेंट पे लाना वो बहुत ज़रूरी है। तो हर अवार्ड एक चैलेंज है, आगे बढ़ने का एक रास्ता है। चैलेंज से लड़ने के लिए आपने कुछ नीति अपनाई है? जी, चाणक्य नीति होती है, ऐसी क्या नीति आपकी कुछ अलग अलग से बनाई आपने? देखिए, ऐसी कोई चाणक्य नीति नहीं है, बहुत सिंपल पॉलिसी है हमारी, जो बोलो वो करके दो। क्लाइंट को एक कदम आगे बढ़ के कितने अच्छे बेनिफिट दे सकते हैं, हम ग्लोबल एडवर्टाइजर्स में मोस्ट प्रोमिनेंट साइट्स हैं बॉम्बे के अंदर, लगभग मोर देन 500 लोकेशंस हैं और यूथ साइट्स, मतलब बड़ी 120x40 ऐसे बड़े बड़े साइट्स फॉर्मेट्स दिए, मेन जंक्शन इंपॉर्टेंट जंक्शंस पे दिए हैं, अलग अलग स्कीम्स है, खाली कैश ही नहीं, हम बाटर भी कर रहे हैं, हम क्लाइंट के बेनिफिट उसकी जेब उसके बजट्स के हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलते हैं, हमारे कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती उसके सामने, इसलिए आज ये उनका आशीर्वाद मिला हुआ है हमें सबसे। सर अभी धीरे धीरे ये चीज़ें आप अब कुछ ज़्यादा ही आप जैसे मीडिया में कुछ हिस्सा बनते जा रहे हैं, आप आए दिन देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मतलब सोशल मीडिया पे आप छा गए हैं धीरे धीरे करके, ऐसा क्या है? मैं ये अपनी गुरु माँ को आशीर्वाद, मेरा गुरु माँ का आशीर्वाद है जिसकी वजह से मुझे ये सब मिल रहा है और आप लोग का प्यार है और कुछ नहीं। सुनने वाले सर कुछ मूवी आप करने वाले, प्लान चल रहा है, फिल्मों में भी आप कदम रखने वाले हैं? रख चुके हैं ऑलरेडी, लास्ट 15 साल से फिल्म का ही काम कर रहे थे जिसकी वजह से ये आज मुकाम पहुंचा है। सर थैंक यू वेरी मच सर।